तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हर साल की तरह इस साल भी आज से शुरू हो रहा है निब्बा निब्बियों का त्योहार और सिंबल लोनो का मातम का हफ्ता वैलेंटाइन। आई लव यू। अब ओ निब्बा निब्बी भी ये हफ्ता इतने प्यार से और शिद्दत के साथ मनाएंगे, साथ जीने मरने की कस्में खाएंगे, जिनको अपना खुद का नाम भी ढंग से लिखना तक नहीं आता। सही बात बोले हैं भाई। पता है, कभी कभी लगता है गवर्नमेंट को ना वैलेंटाइन वीक का नाम बदल के निब्बा निब्बियों का हफ्ता रख लेना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रेट तो हम 24-25 साल के लोंडे लोंडियों से ज्यादा ये छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। सही बात है। तो चलो यार, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय वस्तु। आज तक सुना था प्यार में इंसान मजनू बनता है, रांझा बनता है, लेकिन आज पता चला प्यार में इंसान पागल भी बन जाता है। ये भी ठीक है। अच्छा है कि मैं तुम सिंगल है, वरना प्यार में हमें क्या क्या ना करना पड़ता। ए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। सही बात बता भाई, कट गया तेरा, एकदम से कट गया। तू कपल जोन होने का ख्वाब देखता रह गया और लड़की ने तुझे फ्रेंड जोन कर दिया। अब अपने अरमानों को छाती पे लेके घूम। जैसे ही इसने गर्लफ्रेंड ने मेरी बोला ना, लड़की भी लाई चल बोजड़ी के। सुनो, एक बार फिर से कहूँ ना कि आप सिर्फ मेरे हो। भाई थोड़ा सबर कर ले, 30 सेकंड का वीडियो है, उसके बाद चले जाना। अगर रोकने पे ज्यादा जोर डालेगा ना, कहीं काली पेंट पीली ना हो जाए। भाई तेरे दिल की जरूरत ये नहीं है, अच्छे दिल के लिए हेल्दी हार्ट के लिए पौष्टिक खाना खाना पड़ता है, जाके होगा। ऑलरेडी इसके चक्कर में हड्डी के ऊपर स्किन का एक पतला सा कवरिंग हो ऐसा दिख रहा है, और अगर ज्यादा इसके पीछे रहा ना, वो दिन भी दूर नहीं जब हैंगर पे टंग हुई कपड़ों जैसा हाल हो जाएगा। और लड़की का एटीट्यूड देख रहे हो, फोन में ऐसे घुसी हुई है जैसे देश का PM, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर सबका काम यही कर रही हो, या फिर सैया को पास में खड़े करके किसी और के साथ फोन में छैया छैया कर रही है। पता नहीं, अब दवा की जरूरत नहीं, अब दवा की जरूरत नहीं, मुझको दर्द दे गए। हाँ भाई, अब दवा की नहीं, हमें दुआ की जरूरत है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान ही अब हमारी नैया पार कर सकते हैं। हम यहाँ घर बनाने का ख्वाब देखते रह गए और ये चिंजू पिंजू घर घर खेलने की उम्र में घर बसा लिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इनको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल अच्छे से याद नहीं होगा। अगर अभी दो का पहाड़ा पूछे तो फटके हाथ में आ जाएगी। और ये बाबू सुना जादू टोना कर रहे हैं। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। सुनो क्या है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या आप मुझे शादी करोगे? मैं लाइफ टाइम आपको खुश रखूंगा। आज तक मेरे भैया ने किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। भैया की खुशी नहीं मेरी खुशी है। हम गांव के रहने वाले साहब, अगर आप सच में इनसे प्यार करते हो तो सबसे पहले आपको अपना आलीशान बंगला छोड़ना पड़ेगा, और हम जो खाते हैं वो खाना पड़ेगा, ये पिज्जा और बर्गर छोड़ना पड़ेगा, और इस छांव में सोना पड़ेगा साहब। लेकिन एक सेकंड, ये स्टोरी कहीं सुनी सुनी सी नहीं लग रही, जैसे किसी मूवी की कहानी हो। बात तो सही है। अरे नहीं, मुझे ही गलत फहमी हो रही है। शुभम भाई तो बहुत मान है, वो किसी कॉपी नहीं कर सकता। चल झूठा। अरे सच्ची, देख रहे हो ना कैसी एक्टिंग कर रहा है, ऐसी एक्टिंग कर रहा है जिसे देख के तुम भी कहना चाहोगे ये तो टट्टी है। लड़के ने लड़की को पब्लिकली प्रपोज किया और लड़की का भाई उससे प्यार से बात कर रहा है। अबे बावली पूछ, अगर तुझे लड़का पसंद नहीं है तो उससे बात ही क्यों कर रहा है, लगा दो चार उसके कान के नीचे। कंट्रोल। साला पीटने की जगह ये क्या कर रहा है, आपको बर्गर पिज्जा छोड़ना होगा, हम जो खाते हैं वो खाना होगा, इस पेड़ के नीचे सोना होगा, ये सब कह रहा है। यहाँ कोई एकता कपूर का सीरियल चल रहा है? कौन है ये पागल आदमी? मुझे नहीं पीना। अब तो मान जाओ ऐश्वर्या। अरे मैं मान रही हूँ, इसलिए तो इतना कर रही हूँ, मुझे नहीं पता था आप मेरे लिए इतना करोगे। उफ, ये प्यार, इतना प्यार देख के तो मुझे रोना आ गया। अरे बाबा। मुझे नहीं पता था कि प्यार में लोग दिमाग की जगह घुटने से सोचते हैं।
अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब जब लड़का अच्छा खासा कमा रहे और ऊपर से लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो चुपचाप से शादी करने के जगह ऐसी बकचोदी कर रहे हैं। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। अब बस यही देखना बाकी था, हम 24-25 साल के लोनों को ना चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए। टूटा हुआ सा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये चिलगुजे जब रिलेशनशिप में आने के बारे में सोचते होंगे तो बोलते क्या होंगे, देख मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, मैं रोज तुझे 1 रुपए वाली टॉफी खिलाऊंगा। पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसे कैसे प्रपोज करूं। सीधा उसके पास जा और जाके बोल दे मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा। हाँ। चल आई लव यू टू, देख कितना सिंपल है, अब जाके बोल दे उसे। बोल तो दिया। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। भाई तेरे को अगर पहले से यही पसंद थी तो सीधे सीधे इसको बोल देता, किसी और लड़की को दिखा के ये बकलोल हरकतें करना जरूरी था? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। भैंस के यहाँ वीडियो का स्टार्टिंग देखने के बाद मेरा फटके हाथ में आ गया था, थोड़ी देर के लिए लगा जैसे राजू रोशनी की तरह इनका भी दूसरा नंबर लग गया है, फिर एंडिंग देखने का जान में जान आई। बात तो सही है। वैसे ये सहभाग रिद्धि का पुराना वीडियो था, क्योंकि निब्बा निब्बी समाज के ऊपर बात हो रही हो और उस समाज के बैकबोन को छोड़ दे नहीं सकता। और वैसे भी अब उनके पुराने वीडियो से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि नए वीडियो में ये हो रहा है। देखा यही होता है प्यार, पहले जल्दी जल्दी में शादी कर ले, फिर जल्दबाजी में बच्चा, और अब ये हो रहा है वो भी 2 साल में। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हुआ यार। तो बस यार आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो फोर से चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @thebitterwars_11। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।